ओम शांति। परम प्रिय परम पिता परम शिक्षक परम सतगुरु खुदा दोस्त अव्यक्त बाप दादा के नैनों के नूरे रत्नों भारत के कोने कोने में तथा विदेश के कोने कोने में विराजमान आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण हमारे सभी सहजराज योगी और सहयोगी आत्माओं को सभी बहनों और भाइयों को मधुबन से विशेष बहुत बहुत ईश्वरी याद दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार हो। आज विशेष अपने इस यज्ञ की तपस्वनी बहन परमादरणीय दादी ईशु जी, जिसको बाबा ने नाम दिया हुआ था बाबा की कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी, जो जिसका बचपन युवा प्रौढ़ जीवन सारा यज्ञ की सेवाओं में बीता। मैं जब से मधुबन आना जाना शुरू किया 63 साल पहले, तो उस समय दादी ईशु को बाबा के पास बाबा की ऑफिस में बैठे हुए बाबा की कॉरेस्पोंडेंस जो थी, जो सब तरफ के पत्र आते थे वो बाबा को सुनाती थी, और फिर बाबा उसी समय अपने लाल पेंसिल से पत्रों का जवाब लिख के ईशु दादी को देते थे, और ईशु दादी फिर उसके ऊपर पेन से, क्योंकि बाबा हमेशा लाल पेंसिल से लिखते थे, तो ईशु दादी फिर पेन से हिंदी में लिख करके हर एक पत्र के ऊपर फिर सब जहाँ जहाँ भी भेजने होते थे वो पोस्ट के द्वारा भेजती थी। जो पोस्ट आती थी वो ईशु दादी बाबा को सुनाती थी, और उनकी विशेषता यही थी, जैसे बाबा ने उनको नाम दिया हुआ था कि ये मेरी कॉन्फिडेंशियल बच्ची है। किसी के भी पत्र जो आते थे, जिसमें कई भाई बहनें भारत से व विदेश से अपने दिल की बातें लिख के भेजते थे, अपने जीवन से संबंधित कोई भी उनकी जिस तरह की घटनाएं वो सब लिख के भेजते थे, जो ईशु दादी पढ़कर बाबा को सुनाती थी, लेकिन कभी उनका वर्णन ईशु दादी किसी से नहीं करती थी। इसलिए उनको बाबा ने खास ऐसा टाइटल दिया हुआ था। आप सब जानते हैं कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप हुई है। हम जिस समय मधुबन पहली बार आए थे
1959 में, तो उस समय साइक्लो स्टाइल होती थी मुरली, बाबा के महावाक्य जो भी सुबह को मुरली चलती थी या रात्रि क्लास के टाइम पर मुरली चलती थी तो इशु दादी वो नोट्स लिखती थी और वो नोट्स लिखे हुए फिर उनको फेयर करती थी और वो फिर दो बहनें मुरली हाथ से लिखती थी, स्टेंसल काटते थे और फिर उससे उसके बाद वो साइक्लो स्टाइल होती थी और वो साइक्लो स्टाइल हुई मुरली या साइक्लो स्टाइल किए हुए बाबा के महावाक्य या मातेश्वरी जी के महावाक्य वो फिर सब तरफ पोस्ट के द्वारा भेजे जाते थे। तो इशु दादी का एक बहुत जिम्मेदारी का काम था कि जो महावाक्य बाप दादा के उच्चारे हुए वो एक्यूरेटली लिखे जाएं और फिर सबको भेजे जाएं। इसलिए स्टेंसल काटने के बाद उसको वो बाकायदा पढ़ कर के एडिटिंग करती थी, सब ठीक है तो वो प्रिंट ऑर्डर देती थी कि अभी भले प्रिंट करो। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस समय थी। और दूसरी जिम्मेदारी उनकी थी कि यज्ञ का जो भी हिसाब किताब है वो उनको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से एक्यूरेटली लिखना और बाबा को बताना और मम्मा को बताना, तो जिससे कि बाबा मम्मा के जानकारी के लिए यथार्थ रीति से सब बातें बड़ी क्लियर उनके पास रहती थी। विशेष बात के एक तो ईशु दादी की तपस्या का बहुत बड़ा रोल है यज्ञ के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो मेडिटेशन का टाइम उस समय भी वो तपस्या में बैठती और उसके अलावा जब मुरली का टाइम तो मुरली के पूरा ए टू जेड नोट्स लिखती थी, वो भी योग युक्त होकर के लिखती थी, तो ये भी बहुत बड़ी तपस्या थी। और फिर इसके बाद हर एक मुरली को दोबारा पढ़ना, एडिट करना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम करती थी। तो इस तरह से उन्होंने यज्ञ की विशेष जो सेवा, सबसे बड़ा खजाना जिसको कहें, ईश्वरी ज्ञान रत्नों का वो खजाना सुचारू रूप से सब तक पहुँचे और सभी उससे लाभ ले सकें और अपना जीवन हीरे तुल्य बना सकें, उसके लिए ईशु दादी ने अपना जी जान लगा करके उस सेवा को अंजाम दिया। इसके अलावा उनका त्याग महान था, कहीं पर भी उनको ये इच्छा नहीं होती थी कि मैं घूमने के लिए जाऊं, बॉम्बे में जाऊं, कलकत्ता में जाऊं, दिल्ली में जाऊं, कभी उनके संकल्पों में नहीं आता था। लेकिन बाबा जब बॉम्बे वगैरह जाते थे, क्योंकि बाबा का सर्दी के दिनों में आबू से अधिकतर बॉम्बे जाना होता था, तो उस समय बाबा ईशु दादी को भी अपने पास बॉम्बे में बुला लेते थे, ताकि जो सब तरफ के बाबा के बच्चे कोई मिलने आते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, तो सबको वो मुरली और पत्र आराम से भेजती रहती थी। तो बॉम्बे में भी उन्होंने
मैं मेरे सामने 6 बार 3-3 महीना वहाँ रह करके बॉम्बे से भी सेवाएं दी थी। आप सोच सकते हैं, एक अपने स्थान पर रहना और एक गेस्ट की तरह कहीं रहना, कितना त्याग करना पड़ता है। लेकिन यीशु दादी हमेशा मुस्कराती हुई मिलेगी और उनको कभी नाराज़ होते, कभी कोई बात के लिए कंप्लेंट करती वो हमने नहीं देखा। यीशु दादी के अंदर बहुत गहराई से ईश्वरी मर्यादाओं की धारणाएं थीं, ईश्वरी गुणों की धारणाएं थीं, ईश्वरी ज्ञान की धारणाएं थीं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में उनके देखने में भी आता था, उनके वाइब्रेशन से भी पता लगता था और उनकी मीठी मुस्कान के द्वारा जो दो शब्द बोलती थी उससे भी बहुत हर एक को सुकून मिलता था। तो ये एक विशेष बात है कि बाबा के ऐसे बच्चे जिन्होंने बड़ी गुप्त मेहनत की हुई है, बड़ी तपस्या की हुई है, जिसके आधार से इस यज्ञ की आधारशिला मैं कहूँगा मजबूत बनती गई है। तो यीशु दादी उन सभी दादियों में एक अलग दादी, उनको यीशु दादी हम लोगों ने नाम दिया बाद में, वैसे उनको बाबा प्यार से तो यीशु ही कहते थे। इसके अलावा हमने देखा कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद कईयों के जीवन में कई बातें आती रही, लेकिन प्रकाशमणि दादी जी के साथ यीशु दादी का बहुत समीपता का संबंध रहा, क्योंकि साकार बाबा के बाद प्रकाशमणि दादी जी ने यज्ञ की बागडोर संभाली थी। और जो बड़ी दादियाँ, 8 बड़ी दादियाँ सब दादी जी के साथ में थी, और यीशु दादी एक प्रकार से उस 8 रत्नों का एक धागा कहो जो सबको साथ जोड़ के रखने वाला, इस तरह का इनका पार्ट रहा। यीशु दादी ने इतने ज्ञान खजाने अपने पास जमा किए हुए थे, तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद उनकी जब कभी कहीं क्लास रखते थे मधुबन के अंदर या बाहर कहीं दादी जी के साथ जाती थी तो वहाँ भी, तो क्लास लंबी नहीं कराती थी, बहुत संक्षिप्त थोड़ी सी बात करेगी, लेकिन बात करके इतना उमंग में हंसती थी जो सारे क्लास को कुछ मिनटों में ही ऐसा रिफ्रेश कर देती। ये विशेषता उनकी हमने देखी जिधर भी गए। और फिर सविता बहन जो उनकी लास्ट में संभाल कर रही थी, कविता बहन जिसने के यीशु दादी को उनकी बड़ी उम्र में पूर्णतया प्यार से संभाला, और सिर्फ संभाला नहीं, उनके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा करवाई, उनको अपने साथ लेकर के भिन्न भिन्न स्थानों पर भारत में भी कहीं ना कहीं गई, और मधुबन में भी जो आते तो दादी से मुलाकात कराती रही, ताकि दादी को देखने से और दादी से बात करने से लोगों को वही महसूसता हो
कि दादी ईशु जो बाबा की कॉन्फिडेंशियल राइट हैंड रही, सेक्रेटरी रही, इनके अंदर अगर इतनी विशेषताएं हैं, इनके अंदर इतनी रूहानियत है, इनके अंदर इतनी ईश्वरी सेवाओं के लिए जी जान लगाने की इच्छाएं रहती है, तो आप सोचिए बाबा क्या होगे। तो बाबा के विशेष प्रत्यक्षता में भी उनका बहुत बड़ा हाथ है। ओम शांति। परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, कविता बहन, डॉक्टर साहिबा और भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी तथा आज के विशेष मेहमान आदरणीय बहना बैठी हैं, और आप सब विशेष लकी सोल्स कहूँगा, बहुत भाग्यशाली आत्माएं जो इस आज के दिन दादी ईशु के श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं। सुन तो लिया होगा आपने कि दादी ईशु का ऑफिशियल नाम था पूर्ण शांता, और वो थी भी पूर्ण शांता। बहुत कम बातचीत करना और बाबा के इशारे पर चलना, बस। तो मैं सोच रहा था कि अभी जो मैंने रिकॉर्डिंग कर दी वो तो सब सुन लेंगे, अब क्या सुनाऊंगा। तो मुझे अंदर से एक बड़ी उमंग भरी बात आ रही थी मन में कि सारे कल्प के अंदर जब भगवान इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उनके अंग संग रहना, उनकी कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी बन के रहना, और फिर उसके साथ में जो भी ईश्वरी कार्य है हर एक बात में सम्मिलित होना, और फिर भी न्यारे और प्यारे रहना, कोई शो नहीं करती थी। और मैं कहूँगा कि ये सौभाग्य इतनी सारी बहनें थीं शुरू से जो ओम मंडली में आई थीं, 380 भाई बहनें थे, उनमें से एक ईशु दादी थी। लेकिन आप देखिए भगवान को वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी ईशु दादी ही अच्छी लगी, और उन्होंने ही सारा उनका कारोबार भी संभाला, सारे ईश्वरी परिवार के उस समय के भाई बहनों के जो पत्र व्यवहार वो भी वही देखती थी, और यज्ञ की जो क्या कहें तिजोरी की चाबी भी उन्हीं के पास रहती थी। तो उनके साथ में एक घटना ऐसी है जो कभी शायद आपको पहले भी सुनने को मिली होगी। भरतपुर कोठी में ऊपर माउंट आबू में कुछ ऐसे परीक्षा के दिन चल रहे थे, तो एक दिन दादी
यीशु ने बाबा को बताया कि बाबा आज भंडारी में केवल 8 आने हैं और अभी रसद सारी लानी है। तो बाबा को इतना इस बात का निश्चय था कि जिसका यज्ञ है, जिसके ये बच्चे हैं, उसको संभालना है, मुझे कोई चिंता नहीं करनी है। और आपको बड़ी सुनकर खुशी होगी, हर्ष होगा कि 10:30 बजे दादा विश्वरतन जब पोस्ट लेने के लिए पोस्ट ऑफिस गया, उस समय बॉम्बे से एक माता जी ने मनी ऑर्डर भेजा था। और उस समय मनी ऑर्डर तो आप सोच सकते हो 10,000 रुपया कितना होता उस समय का। तो बस उसके बाद आज दिन तक यज्ञ के सामने कभी बेगरी पार्ट की बात नहीं आई है। वो दिन पूरा हो गया। तो मैंने सोचा आज यीशु दादी के कनेक्शन से ये बात मैं सबको सुना दूँ। और अभी यज्ञ आप सब भाई बहनों की हाजिरी में कहूँगा, सहयोग से कहूँगा, हरा भरा है और सदा हरा भरा रहेगा। ओम शांति।